रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। What is wrong with you? मुझे पता होता ना तुम ऐसे बिहेव करने वाली हो, यहाँ पे मैं कभी नहीं आती। मैं कबीर के साथ घर पे सो जाती। कबीर के लिए पी रही हूँ यार, बच्चों का पहला रक्षाबंधन। इतना वाहियात क्या देखा यार उसने? Thank God वो drunkard रोहित कबीर से नहीं मिला। वैसे आना, रोहित जब गया तूने बताया नहीं, क्या हुआ, क्या कहा उसने? He said कि वो divorce नहीं देगा। What? Yeah, and he just kissed me. How dare he? And you kissed him back? क्या हो गया तुझे यार? Why the f will I do that? जबरदस्ती पकड़ा उसने मुझे एंड ही किस्ड मी। तो चमाटे मारने का मन कर रहा था उसे, बट आई क्राइड लाइक एन इमोशनल फूल। बेबी, फैंड इट डिडंट मीन इट लाइक दैट। ये दिल्ली आना ना बहुत बड़ी गलती की है मैंने, सीरियसली। स्टॉप इट यार, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। वो गरीबों का आशिकी 3 का हीरो बनकर बैठा होगा अपनी उस न्यू बार्बी डॉल के साथ। एंड आई एम 100% श्योर तेरी बातें कर रहा होगा वो, तेरी। बाय द वे गाइस, रोहित हैज क्लियरली नॉट मूव्ड ऑन। और वो जो लड़की उसके साथ आई थी ना, उसकी दोस्त, वो तो बिल्कुल आना जैसी दिख रही थी। अनकैनी रिजेम्ब्लेंस। आई मीन, मेरे बोलने का मतलब ये है कि आना अगर हिप्पी जैसी दिखती होती या लूजर टाइप की होती। बट एनी वे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो कहते हैं ना, व्हेन मेन कांट गेट ओवर देयर एक्स, दे डेट सिमिलर लुकिंग वुमेन। यू नो व्हाट, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं कल ही जाके हैरी के लॉयर से मिलूंगी। उसे म्यूचुअल डिवोर्स नहीं देना ना, फाइन, मैं केस करूंगी उसके ऊपर अडल्ट्री का। देखती हूँ कैसे साइन नहीं करेगा। डिवोर्स नहीं दूंगा मैं उसे, जैसा है वैसा है, बाकी का सब हिसाब अगले जन्म में। पर भाई तूने मुझे क्यों डिवोर्स दिया? है मेरी क्या गलती थी? 4 साल में साले तू मुझे सिर्फ 3 बार मिलने के लिए आया। आज जब वो अना भाभी वापस आ गई तो तुझे बस मैं ही मिला था अपनी सारी बातें बताने के लिए। भूल गया तू, तेरी बीवी ने बैन किया था मुझे। वैसे ही बीवियों के बीच में काफी अनपॉपुलर जो है तू, और आज तो तूने कमाल ही कर दिया भाई साहब, अपनी ले ली। और वैसे भी 4 साल से ना तू अपनी बस लेते आ रहा है। तो सीरियसली बात बताया, तुझे भी इसमें मेरी गलती दिखती है। उन्होंने उस दिन अपसेट थी, मैं मना रहा था उसे, तुम जो हो गया, और जैसे ही मुझे लगा कि गलत हो रहा है तुम पीछे हट गया, तो मतलब कोई हद पार नहीं की मैंने। तेरी बीवी भी तुझे माफ कर देती, अनन्या ने क्या किया, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, जितना था मेरे पास, जो था सब छीन लिया, मेरे बच्चे भी सब नफरत करते हैं आज वो मुझसे। क्या लगता है तुझे ऐसे में क्या करना चाहिए मुझे? ओ भाई, हमने भी बहुत ऐसे पल बिताए, बस अलग कभी पकड़े नहीं गए थे इतना। एक तो वो और एक तो वो उसका बॉस, पता नहीं क्या चल रहा है, क्या पक रहा है अंदर। मतलब कि तू गुस्से में अना भाभी के खिलाफ कुछ भी बोलेगा? देख यार, तेरे को भी पता था कि वो तेरा वो चंपू, क्या नाम है, हैरी और अना भाभी के बीच में कभी कुछ था ही नहीं। जिंदगी का एक सच बताता हूँ तुझे, जो दिखता है ना आंखों से वो सच सच ही होता है बेटा। तो मैं समझ रहा हूँ क्या चल रहा है, तो मुझे ऐसे बर्बाद करके इज्जत अपना घर बसाएगी, ये नहीं होने दूंगा। भैया क्या मतलब काम पे नहीं आओगे? यहाँ इतना सारा काम बाकी है। क्या क्या हुआ? अरे वर्कर्स कह रहे काम पे नहीं आएंगे यार, अपेरेंटली किसी ने कहा है कि काम इमीडिएटली स्टॉप करो। क्या, किसने किसने कहा है? महक। व्हाट, महक? वन सेकंड, लेट मी जस्ट कॉल हर। हेलो महक, तुमने साइट पे काम क्यों बंद करवा दिया? वेयर इज माई हस्बैंड अनन्या? बानी, बीबी दरवाजा खोलो प्लीज। हाउ वुड आई नो? मुझे क्या पता तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? आई हैव नो क्लू व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। महक जस्ट इधर साइड पे आओ ना, वैंडी और मैं हम दोनों यहाँ पे हैं। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस, काम तो चलना चाहिए ना। अब हाँ बीबी,
बस बेबी 15-20 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं थोड़ा सा ट्रैफिक ट्रैफिक में फंस गया हूँ थोड़ा सा। ओके ओके सॉरी बेबी मुझे जाना पड़ेगा सॉरी। ये बानी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? सुबह से ट्राई कर रही हूँ। बानी करनाल गई है ना, कोई जरूरी काम था। What the hell are you doing in there, पूनम? यहाँ मेरे चार बाल सफेद हो गए हैं तुम्हारे लिए वेट करते करते। I'll take this. Yes, ma'am. Ma'am, क्या ये किसी के लिए गिफ्ट है तो मैं उसे गिफ्ट की तरह पैक कर देती हूँ। आपकी बेटी या बहू के लिए है तो आप बिल बनाएंगे? श्योर मैम। रिलैक्स पू, इंडिया में लोगों का माइंडसेट ऐसा ही है। दिस इज एजिज्म, हाउ डेयर शी। तुम्हें पता है अभी के फ्रेंड्स भी ना मुझे ऐसे ही देखते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? एज लॉन्ग एज अभी तुम्हें ऐसे नहीं दिखता, हाउ डज इट मैटर? फर्क पड़ता है, ये कोई मेरी उम्र है टेडी खरीदने की। मुझे बानी के बच्चों के लिए टेडी बेयर खरीदना चाहिए। वो नहीं यार शीना, समटाइम्स आई फील लाइक अ लूजर, इनसिक्योर डेस्परेट वाइफ जो अपने पति को ललचाने की कोशिश कर रही है। इनसिक्योर तो हम सब हैं, एटलीस्ट यू एक्नॉलेजिंग इट। और वैसे भी ये सब तुम अपने पति के लिए कर रही हो। मैं तो ऐसे कपड़े सिर्फ अपने बेडरूम में पहनती हूँ, लेकिन अभी के फ्रेंड्स तो हर जगह ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तो तुम भी पहन लो ना। और वैसे भी शादी के बाद ये जो वेट लॉस हुआ है, यू लुक फैंटास्टिक। ओके, वानी की माँ नहीं बड़ी बहन लगती हो। अभी के फ्रेंड्स उनके 20s में हैं, दे आर यंग सेक्सी, आई फील लाइक एन आंटी इन फ्रंट ऑफ देम। और कितने साल चलेगा ये प्यार? कभी ना कभी तो अभी की आंखों से ये रोज टिंटेड ग्लासेस हटेंगे, देन ही विल सी द रियल मी, दिस एजिंग मेनोपॉजिंग वुमन। और फिर वो कहीं और निकल गया तो प्लीज गेट अ ग्रिप यार। सीरियसली यू नो, तुम्हारी ये शादी इन केस इट ब्रेक्स अप, गॉड फॉरबिड, उसका रीजन ये एज डिफरेंस और मेनोपॉज नहीं होगा, रीजन होगा तुम्हारी ये इनसिक्योरिटी बिकॉज ऑफ रोहित। हाँ रोहित, तुम अभी भी अपनी पहली शादी की एक्सेस बैगेज कैरी कर रही हो। और बेब ये अभी है जो तुम्हें बेहद प्यार करता है, रोहित नहीं जिसने तुम्हारी जिंदगी एक बार बर्बाद कर ही ली। डोंट गिव हिम अनदर चांस ना। और वैसे भी ये जीज कर क्या रहा है, आई रियली डोंट नो, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा वो। लेकिन वो अमायरा, वो कुछ और ही हैं, वही जो पॉपकॉर्न लेके बैठी थी फैमिली ड्रामा देखने। मैं अमायरा जैसी लड़कियों को जानती हूँ, किसी तलवार की धार पे रहती है ये, बाहर से सैसी सेक्सी पागल फन और अंदर से फुल्ली खोखले। हजार प्रॉब्लम्स होती है उन्हें, दे लिव लाइफ लाइक रेबल्स, न जाने क्या प्रूव करना चाहते हैं, बट डीप इनसाइड ये लोग कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, अपने आप से उदास और अनकंफर्टेबल। इसीलिए तो बाहर सुकून ढूंढती है, और ऐसी लड़कियों को अगर कुछ मिल जाए ना, दे गेट ऑब्सेस्ड। जस्ट प्रे कि ये लड़की जीज के लिए ऑब्सेस्ड ना हो जाए। इट्स स्कैरी, उसे जो चाहिए उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगी। शी विल टेक इट बाय हुक और बाय क्रुक। आई नो जीज लड़कियों के मामले में काफी सॉर्टेड रहे हैं। वो पहले तुम्हारी जैसी अमेजिंग वुमन के साथ थे, फिर एना जैसी सॉर्टेड सुलझी हुई लेडी के साथ, बट ये वाली सीधी लगती है पर टेढ़ी है पू। शी विल टेक हिम डाउन विद हर। जिंदगी खराब कर देगी वो जीज की। What? लड़का है, you'll be happy to know. जैसे ही उसका डिवोर्स फाइनल हो जाएगा तब। Divorced. ये कौन? Joking, I'm joking. ये 20 साल बाद लगेगा ऐसा। ये अभी है। ये लड़का नहीं है, ये तो तुम्हारा अंकल दिखता है। मम्मी, he's older than you, dad. Or no, he's 5 years younger. तो जैसे आपकी उम्र क्या होगी मॉम? What do you mean? तुम्हें ये प्रोजेक्ट बंद करना है? ऐसे अचानक? लिसन महक, यू डोंट लाइक द डिजाइंस, वी विल चेंज इट फॉर यू। चेंज की कोई जरूरत नहीं है,
मुझे बस तुम्हारे साथ काम नहीं करना है. तो जो एडवांस दिया था उसको वापस कर देना. नहीं करना तुम जैसे बेशरम लोगों के साथ अपने सालों का प्रोजेक्ट. वन सेकेंड, होल्ड ऑन. हाउ डेयर यू टॉक टू अस लाइक दैट. तुम हमें फायर नहीं कर रही हो. आई ब्लडी क्विट दिस जॉब. तुम्हें तुम्हारा एडवांस मिल जाएगा. चलो बैंडी. I will not let you hit on my husband, you bitch. तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? हम उनका फोन ट्रैक कर रही हूँ मैं. और तुम्हारे ऑफिस से 27 कॉल्स गए हैं अमन को. But है ना, छोटी मोटी रकम नहीं है यार. It's fucking 8 crores. I don't care, Vandy. Seriously, मैं उसके सारे पैसे लौटा दूंगी. In fact, हम ये दिल्ली वाला ऑफिस बेच देंगे. यार चार और ऑफिसेज है ना, वी डोंट हैव टू वरी. मेरा एक जॉइंट एफडी अकाउंट है रोहित के साथ. आई थिंक 50 lakh का है. मैं वो तोड़ के ना आई थ्रो सम मनी ऑन अ ब्लडी फेस. आई नो व्हाट टू डू. आई एम जस्ट कॉलिंग माय बैंक राइट नाउ. हेलो मिस्टर जैन. हाय, दिस इज अनन्या हियर. मिसेज अनन्या मेहरा. Can I meet you? I want to talk to you about something. मेरे एफ डी के बारे में बात करनी है. क्या? कौन है ये रोहित? कहाँ मिले हो तुम इसे? तुसी लोड ना लो. असी पूछ रहे हैं ना, तुसी पॉलिटिशियन हो. इस मामले विच दखल दियोगे तो किधरे कोई होर स्यापा ना हो जाए. मारा पुत्र, अब उन्हें करदा की आएगा? करदा तो कुछ नहीं है उन्ना. पर चाचा जी, डबल डिग्री है उसकी डिवोर्स में. मैं बताऊँ उसके बारे में? उसकी दोनों बीवियां ना, दोनों एक्स बीवियां यार, जब भी उसका चेहरा देखती है ना, फ्रंट डोर ऐसे स्लैम करती है ना. पता है उसकी करंट बीवी ने ना उसको छोड़ा भी नहीं है अभी तक. और उसकी पुरानी बीवी ने ना एक इतने यंग बंदे से शादी कर लिया, मैं क्या बताऊं. पता है मैंने तो बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरी फैमिली से मेरे को डिसफंक्शनल फैमिली कोई भी और दिखे ना, मैं अपना नाम बदल लूं. अमायरा, मेरी एक बात सुन. आप ही कहते हैं ना कि आप चाहते हो कि मैं सेटल डाउन हो जाऊं. लड़का हीरा है, हीरा. He's f***ed up. I'm f***ed up. Together, we'll be so f***ed up. It's a match, ma. और बताए, लड़के के पास कोई पैसा नहीं है, तो एटलीस्ट हमारी उस बात पे कोई लड़ाई नहीं होगी. इसी बात पे मुंह मीठा कर लो ना. अमायरा, स्टॉप इट. एक शादी एक, it's not a game. It's an institution. कोई आप समझाओ इसे. You're right, ma. Marriage is an institution, a mental institution. और काश आप लोगों को भी ना किसी ने बहुत बढ़िया से admit कर दिया होता. Amira, what is wrong with you? I'm in love with Rohit. May I know तुम्हारा ये love, ये Rohan? Rohit. जो भी हो, कब से जाने दिया? 3 दिन. बे आ रहा हूँ बे, दरवाजा तोड़ेगा क्या? हाँ? You're the worst kind of human being, Rohit Mehra. कल जो तुमने किया उसके बाद मुझे लगा you won't be able to surprise me anymore. But आज जो तुमने किया ना, इतनी गिरी हुई हरकत की है तुमने. Calm down. What calm down? तुमने मेरे पैसे चुराए. मैं प्यार में पागल थी तुम्हारे और मैंने तुम्हें अपना joint account holder बना दिया. And this is what you do to me. रे, क्या कौन से पैसे, कैसे पैसे, कौन सा अकाउंट? अभी क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. तुम्हें समझ में कैसे आएगा? How will you get it? हमेशा शराब में धुत जो रहते हो तुम. How will you understand? Are you listening to me, Rohit? तुमने मेरे पैसे चुराए मेरे अकाउंट में से. Goddamn thief! तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? I can't believe मैंने तुम जैसे आदमी से शादी की. मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम हो, रोहित. You're the lowest scum on this planet. Who the fuck gave you the right to talk to me like that? और मैं कह रहा हूँ ना, नहीं समझ में आ रहा तुम जो कह रही हो. कैसे समझ में आएगा? Because you don't want to accept कि तुमने मेरे पैसे चुराए. तुमने मेरी एफडी तोड़ दी, रोहित. My bank balance is zero. पूरे 50 lakh रुपए निकाल दिए तुमने मेरे अकाउंट से. एफडी? Yes, my एफडी. You know, तुम बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो अब भी. मतलब दुनिया में कुछ भी गलत हो, गलती मेरी है. तुम्हें मैंने उस एफडी का पावर अटॉर्नी दिया था, याद है ना? जिसका ये मतलब होता है कि तुम और सिर्फ तुम उन पैसों को निकाल सकती थी. तो तुमने निकाले होंगे, किसी को दिए होंगे, भूल गई होगी. या फिर go talk to your love boy. शायद तुम्हारे lover boy ने पैसे निकाले and he spent it on his fucking Russian horse. Shut up, okay? तुम जैसे useless शराबी से ना बात करना ही बेकार है. I want a divorce. You want a divorce? Yes.
नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कोर्ट लेकर जाऊंगी। जाओ, मैं भी जाऊंगा और कोर्ट जाके साबित करूंगा कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। हाँ, मैं गया था पूनम के पास, आई किस्ड हर, पर उससे आगे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मुझे उस समय यह एहसास हुआ कि मैं तुम्हारा पति हूं और ये बात मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की लेकिन तुमने सुनी नहीं मेरी बात। मेरी इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दे दी तुमने। यू नो व्हाट नाना, मुझे लगता है कि मैं पूनम के पास शायद इसलिए गया था क्योंकि तुमने मुझे छोटा महसूस कराया। वाओ रोहित, तुम ये कैसे कर लेते हो यार, ब्यूटीफुल। हमारी शादी में तुमने मुझे धोखा दिया और वो मेरी गलती है। सीरियसली, कब तक अपनी गलतियों का इल्जाम तुम दूसरों पे डालते रहोगे रोहित? हाउ मेनी टाइम्स? उस रात तुम्हारे और पूनम के बीच जो कुछ भी हुआ, शी वाज वल्नरेबल। उसे तभी डिस्कवर किया था कि शी इज एंटर्ड मेनोपॉज और तुम्हें अपनी मर्दानगी दिखाने का शौक चढ़ गया था ना, बिकॉज यू नो यू डिडंट फील मैन एनफ इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा कमा रही थी। कॉन्स्टेंटली मुझे गिल्टी फील कराया, कॉन्स्टेंटली दैट आई वाजंट गुड इनफ फॉर यू। पहले पूनम को गिल्टी फील कराया दैट शी वाजंट गुड इनफ फॉर यू, फिर मेरे साथ अफेयर किया, अब तुम मुझे गिल्टी फील कराना चाहते हो कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। यू चीटेड ऑन मी बिकॉज यू हैड अ मोमेंट ऑफ वीकनेस, यू फकिंग वीक मैन। मैं गई और तुम टूट गए। मैंने टूटकर अपने आप को फिर से बनाया रोहित, अगेन। और यही फर्क है हम दोनों में, इंटेग्रिटी का। इसलिए तुम बिखर गए और मैं संभल गई। तो आना ने जंग का ऐलान कर दिया। I don't need you anymore. I feel whole and complete. Cool यार, ये जंग तो तुम पहले से जीत चुकी हो। And you know why? ये डिवोर्स तो मैं ही जीतू। Let me show the world na what a bitch you are. दुनिया को दिखाना चाहता हूँ मैं कि किस तरह तुमने मुझे, मेरी पर्सनल लाइफ को, मेरी प्रोफेशनल लाइफ को बर्बाद किया है। वो ऑफिस याद है ना तुम्हें, तुमने ही बनाया था जहाँ हम पहली बार मिले थे। वो बेचनी पड़ी मुझे, मैंने अपना बिजनेस बेच दिया, अपनी प्रॉपर्टीज बेच दी, सारे पैसे अपने फैमिली वालों में बांट दिए और अब ये हालत है आना कि मुझे अपनी पॉकेट मनी के लिए मेरी माँ के सामने हाथ फैलाने पड़ते, कभी कभी सिगरेट उधारी भी लेनी पड़ती मुझे। It's all because of you. Because you f**ked me. And so you f**ked me. इसीलिए तुमने मेरे पैसे चुराए ना, ये घटिया जिंदगी जीने के लिए। हाँ लिए मैंने पैसे, लिए मैंने पैसे। तुमसे जो होता है कर लो। Oh, I will. Harry, I urgently need your help. मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, मुझे वो महक आनंद को पैसे लौटाने। I had that money, but ये रोहित ने मेरे अकाउंट से ले लिए, you know. तना तुम बहुत परेशान साउंड कर रही हो। तो भाई तुम एक काम करो, घर पे आ जाओ, मैं यहीं पे हूँ। See you, thanks. Hey, तना, you okay? I mean, you sounded a little weird on the phone. अंदर आओ ना, let's have coffee. नहीं, थोड़ा urgent है Harry, please. Of course, I'll just get the money. I'll just get. हैना, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ। अभी किसने सोचा था कि वो स्टूपिड रोहित तुम्हारे पैसे भी ले लेगा? ये रहा तुम्हारा चेक जिसमें मैंने नाम नहीं लिखा है, यू जस्ट हैव टू फिल द नेम, दैट्स इट। या थैंक्स, थैंक्स सो मच हैरी। डोंट यू एवर थैंक मी एवर। ओके हैरी, आई विल सी यू। हां वानी, हैना मुझे तुमसे मिलना है। वानी, वानी, वानी क्या हुआ? I had an abortion.